साउथ गोवा। गोवा का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बहुत ही कम लोग और टूरिस्ट जाते हैं। इनफैक्ट साउथ गोवा में जाने वाले वो लोग रहते हैं जिनको कुछ अलग देखना है, एक गोवा का यूनिक साइड देखना है जहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट हो और वहाँ पे वो आराम से रिलैक्स कर सके। क्योंकि आप नॉर्थ गोवा जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है, तो कभी कभी आपको गोवा का ट्रू एसेंस एंजॉय करने नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साउथ गोवा से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि आपको कब जाना चाहिए, कैसे साउथ गोवा पहुँचना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ पे आप जा सकते हो, कौन कौन से बीचेस कब देख सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने बिल्कुल भी भूलिए मत और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तभी तक और देरी नहीं करते, हम रुके क्यों है, चलिए शुरू करते हैं, चलो लेट्स गो। तो आप जैसे भी गोवा पहुंच रहे हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, या रोड से ही क्यों ना आ रहे हो, आपको साउथ गोवा जाने के लिए इक्वल डिस्टेंस पड़ता है। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से लैंड होते हो तो साउथ गोवा लगभग आपको 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। अगर आप चार लोग हो और टैक्सी शेयर करके आ रहे हो तो 2200 रुपये में आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे वो। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आप माड़गांव तक बाहर से बस पकड़ के जा सकते हो और वहाँ से आप बाइक रेंट लेके वहाँ तक पहुँच सकते हो। इसका कुल मिला के खर्चा आपको केवल 40 रुपीज़ के आसपास ही आएगा। और जिसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है पूरी व्लॉग, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ट्रेन से आप जहाँ से भी आओ आपको वैसे ही सेम फॉर्मेट रहेगा। आप टैक्सी पकड़ के जाओगे तो आपको 1500 से 2000 रुपया पड़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाओगे तो आपको माड़गांव से एक बस एक्सचेंज करनी पड़ेगी, जिसमें आप 100-150 रुपये के अंदर में काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हो। और ये सारी जो जगह है एक ही फाइनल डेस्टिनेशन पे आके मिलती है, विच इज़ पालोलेम, विच इज़ द हार्ट ऑफ साउथ गोवा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलेगी इस एरिया में। चाहे वो नॉर्थ गोवा हो या साउथ गोवा ही क्यों ना हो, आपको एक कॉमन थीम है, यहाँ पे ओला उबर रिक्शास वगैरह आपको नहीं मिलती है, तो आपको वहाँ पे बाइक रेंट लेना या कार रेंट लेना ज़रूरी है। साउथ गोवा की रेट्स नॉर्थ गोवा के रेट से कंपेरेबल है जब आपको बाइक रेंट लेना है। ऑफ सीजन में 300 रुपये तक पड़ता है और मेन सीजन में आपको 450 पड़ जाती है। कार का 1200 रुपये से आपका प्राइस शुरू होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माड़गांव से अगर बाइक ले सकते हैं तो बेटर होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा वाइडर ऑप्शन भी मिलेगा और थोड़ा सस्ते में भी मिल जाएगा और आपका ट्रैवल कॉस्ट में बहुत बचत हो जाएगा, जो मैंने किया था। तो अभी जानते हैं कि साउथ गोवा में आपको रहने का क्या बंदोबस्त है। रहने के लिए आपको मेजर एरिया जो साउथ गोवा पड़ेगा वो है पालोलेम का। पालोलेम में आपको ढेर सारे होटल, हॉस्टल्स एज वेल एज बीच शैक्स मिलेंगे। ये काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है और बीच से ज़्यादा डिस्टेंसेस पे भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एज अ सोलो ट्रैवलर गया था तो मैंने लॉस्ट हॉस्टल पालोलेम में मेरी बुकिंग की थी। रूम्स बहुत बढ़िया थे, 600 रुपीज़ से शुरू होता है डॉर्म बेड और प्राइवेट रूम शुरू होते हैं 1200 से 1500 के बीच में फॉर एसी कैटेगरी। वैसे ही सिमिलरली अगर आपको एयरबीएनबी या दूसरे बजट होटल्स चाहिए तो आपको एनीवेयर बिटवीन 1500 से लेके 2500 तक बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आपको बीच शैक्स चाहिए तो आपको पालोलेम या पटनेम के पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो ऑफ सीजन में 4000 से शुरू होते हैं और प्राइम सीजन में आपको 6-7000 के ऊपर चले जाते हैं। बट ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है एंड इट्स राइट ऑन द बीच, सो विल एंजॉय इट अ लॉट। साउथ गोवा में पहुंचने के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्लोजेस्ट बीच जो है वो पड़ेगा पालोलेम बीच का। पालोलेम बीच एक तरफ से इस एरिया का बागा कलंगूट का स्ट्रेच है, पर इतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। साउथ गोवा का वाइब भी बहुत ज़्यादा शांत है, तो आपकी दिन की शुरुआत आप कर सकते हो पालोलेम बीच के तरफ जाके। वहाँ पे आप जाओगे, आराम से आप चिल कर सकते हो, बीच को एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़े उसके प्राइवेट जो एरियाज है वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो कि क्या सीन है उधर का। बहुत सारे शैक्स है उधर, तो आपको खाना पीना करना है, जस्ट बीच पर रिलैक्स करना है तो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उस एरिया में आपको रेस्टोरेंट्स भी ढेर सारे मिलेंगे, तो अगर आपको लंच करना है बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट में तो उधर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। पालोलेम बीच में आपको एज टूरिस्ट एक्टिविटीज़ आपको ढेर सारी चीज़ें है करने के लिए, और उसमें से सबसे मेजर चीज़ है इस वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी वहाँ पे सेम जो नॉर्थ गोवा के हिसाब में 1500 से 2000 रुपये के बीच में पड़ जाती है, बट यहाँ पे करने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि बीच का पूरा लेआउट और पूरा सीन बहुत डिफरेंट है और आपको बहुत मज़ा आएगा
जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। उसके बाद आप वहां से निकल के पटनम बीच की तरफ जा सकते हो जो पालोलेम से केवल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। इस बीच में जब आप जाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये साउथ गोवा का वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव बीचेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम क्राउड रहता है। और कम क्राउड में भी जो लोग आपको दिखेंगे वो मोस्टली आपको फॉरेनर्स दिखाई देंगे, जो अपना वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पानी में मज़ा कर रहे हैं, और बहुत ही अलग डिफरेंट वाइब है इस जगह का। इस बीच में आपको ज़्यादा कोई शैक्स है नहीं, बट आपको एक दो जो अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, और वहाँ पर आप आराम से पानी में नहा सकते हो और चिल कर सकते हो, और उसके बाद उसी शैक्स में जाके आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो, जो खासी ज़्यादा ब्यूटीफुल है इस पार्ट में। शाम को अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है साउथ गोवा में, तो आपको एक ही जगह है, विच इज़ पालोलेम बीच। पालोलेम बीच में आपको ढेर सारे शैक्स है, नाइट क्लब्स इतने सारे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना मोस्टली जाने वाले लोग थोड़ा शांति और रिलैक्सेशन के हिसाब से जाते हैं, तो इसके लिए आपको इतना वाइब्रेंट नाइट लाइफ नहीं मिलेगा। बट स्टिल यू कैन गो टू अ लॉट ऑफ शैक्स, वहाँ पे म्यूजिक बजता है, यू कैन एंजॉय अ नाइस डिनर, ड्रिंक्स विद योर फैमिली फ्रेंड्स जिसके के साथ भी जा रहे हो, एंड यू कैन कॉल इट अ नाइट एंड रिलैक्स। डे टू की शुरुआत आप कर सकते हो बाय एक्सप्लोरिंग द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई बीच पहुंचने के लिए आपको एक शॉर्ट राइड करनी पड़ेगी जो 5-7 किलोमीटर की होगी फ्रॉम पालोलेम। यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो आपको एक कच्चा रास्ता दिखेगा जो थोड़ा बहुत आपको ऑफ रोडिंग की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको एक पॉइंट के बाद आपकी बाइक पार्किंग करनी पड़ेगी या कार पार्किंग करनी पड़ेगी, और एक 20-25 मिनट का आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक कोई ऐसा डेंजरस जंगल के थ्रू नहीं है, बट वहाँ पे रोड कुछ है नहीं, तो आपको कच्चे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि आप अच्छे शूज़ और पानी का बॉटल कैरी कीजिए, क्योंकि जो बटरफ्लाई बीच है वो बिल्कुल भी नॉन कमर्शियल है, वहाँ पे बिल्कुल आपको कोई भी स्नैक्स, कोई भी टाइप का स्टॉल या फूड वेंडर नहीं है, तो पानी कैरी करना ज़रूरी है। इस ट्रैक जब आप ख़त्म करके जाओगे तो आपको 20 मिनट के बाद एक बहुत ही ब्यूटिफुल व्यू दिखेगा ऑफ द बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई बीच वाकई में बहुत यूनिक है, छोटा सा बीच है, आप वहाँ पे पत्थरों पे चढ़ सकते हो, बीच का पूरा व्यू आपको दिखेगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड बीच इन गोवा इफ नॉट द वर्ल्ड। एक दूसरा तरीका है बटरफ्लाई बीच पहुँचने का जो मेन सीजन में रहता है, इज़ टू कैच अ बोट फ्रॉम आइदर पालोलेम और अगोंडा बीच। यह बोट आपको लगभग 200-300 चार्ज करेगा, पर आधा घंटा ही आपको वहाँ पे बीच पे उतारेगा और उसके बाद रिटर्न ले जाएगा। बटरफ्लाई बीच ख़त्म करने के बाद आप एक बहुत ही बढ़िया लंच कर सकते हो एट अ लोकल रेस्टोरेंट। हम तो ये रेस्टोरेंट में गए थे और हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये हमारे अगले बीच के डेस्टिनेशन के ऑन द वे आता है। तो अगला बीच जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं विच इज़ दी अगोंडा बीच। अगोंडा बीच आपको बटरफ्लाई बीच से कुछ और 5-6 किलोमीटर आगे पड़ेगा, एंड अगोंडा इज़ वन ऑफ दी मोस्ट फैमिली फ्रेंडली बीचेस इन साउथ गोवा। एक्चुअली बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और होटल्स ज़्यादा करके आपको अगोंडा के आसपास ही मिलेंगे, सो आपको इस बीच में फैमिली ट्रैवलर्स काफ़ी दिखाई देंगे। अगोंडा बीच एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जाओगे तो आप एकदम ही आराम से रिलैक्स करने का मन करेगा फॉर सम रीज़न। बहुत ही शांत सा बीच है, बहुत ही माइल्ड है वहाँ का सीन। आप वहाँ पे खा पी सकते हो, बीच पे एंजॉय कर सकते हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट आप कैच कर सकते हो, और आपका दिन वहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हो। डे 3 की शुरुआत आप कर सकते हो बाय एक्सप्लोरिंग द वेरी यूनिक कोला बीच। कोला बीच एक ऐसा बीच है जहाँ पे आपको एक अमेजिंग व्यू पॉइंट है, बीच है एज वेल एज ए फ्रेश वाटर लगून है। ये साउथ गोवा के बीचेस का ऑलराउंडर है, ये सब कुछ आपको ऑफर करता है। तो आपको कोला बीच पहुंचने के लिए एक छोटी सी बाइक राइड या कार राइड लगेगी, और वहाँ पे भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हो जाएगी। बट एडवांटेज ये है इस जगह का कि यहाँ पे आप डायरेक्टली व्यू पॉइंट तक आपकी कार या बाइक लेके जा सकते हो, और वहाँ से बीच भी लिटरली आपको 2 मिनट का डिस्टेंस पे आता है। जब आप व्यू पॉइंट पहुंचोगे तो आपको जो व्यू दिखेगा ऑफ द बीच विल कम्प्लीटली अमेज यू। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल साइट। आपको मैं कहूँगा कि थोड़ी देर बैठ के वो बीच का पूरा नज़ारा फ्रॉम दैट पॉइंट एक्सप्लोर कीजिए और एन्जॉय कीजिए। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू टू डू इट। वहाँ से आपको बीच के तरफ जाने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी पकड़ के नीचे जानी पड़ेगी। जब आप वो बीच में पहुंचोगे तो आपको एक साइड पे पूरा बीच दिखेगा और दूसरा साइड पे आपको एक फ्रेश वाटर का लगून दिखेगा।
तो इस लगून में आप जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वहाँ पे एक्टिविटी के नाम पे कायाकिंग भी होती है जिसका कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 100 to 300 वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन कितना क्राउड है उनके पास, और आधा घंटे के लिए वो आपको वो करने देते हैं। कुछ नहीं तो मैं आपको बोलूँगा कि ये फ्रेश वाटर पानी में डिप लगाइए, बहुत ही कूल और अमेजिंग पानी है। और आपको अगर बीच के सॉल्टी वाटर से आप तंग आ चुके हो पूरे गोवा के एक्सपीरियंस में ना, तो यहाँ पे जरूर डिप लगाइए, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ऑल्सो ध्यान रखिए कि उधर ज़्यादा शैक्स भी नहीं है, एक या दो ही है, तो अगर आपको कुछ लाइट खाना पीना भी कैरी करना है तो आप बेशक कैरी कीजिए। वहाँ से आपका पूरा एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप काबोडेरामा और पेबल बीच की तरफ निकल पड़िए। मैं आपको जल्दी निकलने इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है जगह 5 बजे बंद हो जाती है, तो आपको उसके पहले पहुँचना है। तो जब आप काबोडेरामा पहुँचोगे, इट्स अ फोर्ट एंड इट्स अ ओल्ड पोर्चुगीज फोर्ट जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है और उसके अंदर एक पुराना चर्च भी है जो आप देख सकते हो। वो एक्सप्लोर करने के बाद में आप जो है पेबल बीच के व्यू पॉइंट पे भी जा सकते हो जो फोर्ट के अंदर ही है, जहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर बीच दिखाई देता है। उसके बाद वंस अगेन आपको थोड़ी सी सीढ़ी पकड़ के नीचे जानी पड़ेगी टुवर्ड्स पेबल बीच। पेबल बीच जैसा नाम सजेस्ट करता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पेबल्स और पत्थर्स है, तो इसके लिए आपको ये बीच थोड़ा अलग है, जहाँ पे आप नहा नहीं सकते हो, चिल नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे बैठ के बीच की यूनिकनेस एंजॉय कर सकते हो। देखते ही देखते day 4 आ गया और आपका साउथ गोवा का एक्सपीरियंस ख़त्म होने पर आ रहा है। सो अगर आपके पास टाइम है और ये ऑप्शनल डे में अगर आपको कुछ करना है तो आप सुबह सुबह उठ के दूध सागर फॉल की ट्रैक या विजिट पे जा सकते हो। इसमें थोड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, 1,000-1,200 रुपया खर्चा होता है क्योंकि जीप के थ्रू आपको जानी पड़ती है और पूरा व्यू पॉइंट वगैरह आप देख सकते हो। और ज़्यादा करके ये बारिश और बारिश के बाद वाले सीजन में ही ज़्यादा एडवाइजेबल रहता है क्योंकि पानी का फोर्स और प्रेशर भी अच्छा रहता है, सो यू गेट टू एन्जॉय अ मैसिव व्यू ओवर देयर। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साउथ गोवा का ये पूरा एक्सपीरियंस अगर आप देखने जाओगे तो ज़्यादा महंगा नहीं है। आपको एयरपोर्ट से पहुँचना है तो मेरे हिसाब से 150 के अंदर में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आराम से आ सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। बाइक आपको 300 रुपये पर रेंट पे मिल जाती है। स्टे आपको 1200 रुपया ट्विन शेयरिंग में हो जाएगा, यानी कि 500 रुपीज़ के आसपास आपका पर डे खर्चा होगा। और खाना पीना पकड़ोगे तो आपका 400 to 600 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन आप क्या लेते हो और क्या पीते हो उसके ऊपर चला जाएगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैवल को माइनस करोगे आपका गोवा पहुंचने तक का, यू कैन डू दिस ट्रिप फॉर अंडर 5,000 to 7,000 रुपीज़ इफ़ यू प्लान इट वेल इनफ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल गाइज। और अगर फैमिली के साथ नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तभी तक मिलते हैं जल्द, स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।